अंकगणितीय औसत, माध्यिका और बहुलक की सीमाएं। आंकड़ों को समझने के लिए एक प्रतिनिधि मान अंकगणितीय औसत यानी माध्य है। हमने देखा यह आंकड़ों के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन इससे कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाती और इसे आंख मूंदकर इस्तेमाल करने से गड़बड़ हो सकती है। जैसे घर का दरवाजा घर में रहने वाले बड़ों व बच्चों की ऊंचाई का औसत लेकर नहीं बनाया जा सकता, और न ही इस आधार पर कि ज़्यादा लोग किस ऊंचाई के हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसके अलावा माध्यिका और बहुलक भी कई प्रश्नों का जवाब नहीं बता पाते। यह आंकड़ों को समझने में ज़्यादा मददगार होते हैं, किंतु इन्हें भी ध्यान से उपयोग करना होता है। कई विशिष्ट बातें इनमें नहीं दिखती। वर्गीकृत आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। ज़्यादातर स्थितियों में प्रेक्षणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनको ठीक तरह से पढ़ने और निष्कर्ष निकालने के लिए हमें उन्हें समूहों में बांटकर, यानी वर्गीकृत करके छोटा करने की ज़रूरत होती है। अतः जब हम अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदल देते हैं, तब हमें इन्हें पढ़ने एवं निष्कर्ष निकालने के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक पता करने होंगे। उदाहरण 13 में 10 के वर्ग अंतराल बनाकर वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं। याद रखें कि वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं निश्चित करते समय किसी ऊपरी वर्ग सीमा में आने वाले प्रेक्षण अगले वर्ग अंतराल में लेते हैं। जैसे जिस वर्ष 50 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है, वह 40 से 50 वर्ग अंतराल में न होकर 50 से 60 वर्ग अंतराल में होगा। हमने देखा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हम दिए गए प्रेक्षणों का जोड़ निकालते हैं, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम क्या करेंगे? उस वर्ग में से कौन सा मान लें, कौन सी संख्या चुनें? क्या 40 से 50 के वर्ग के लिए 40 लें अथवा 50 या कोई और? अतः यहां हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो सभी वर्ग अंतरालों का प्रतिनिधित्व करे। हम यह मान लेते हैं कि पूरे वर्ग अंतराल की बारंबारता मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है और हर वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उस वर्ग का प्रतिनिधि है। इस मध्य बिंदु मिड पॉइंट को वर्ग प्रतीक, क्लास मार्क भी कहते हैं। उदाहरण 10। एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। इसका समांतर माध्य पता करें। हल। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग सीमा का उपयोग करना होता है। मध्य बिंदु वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा का औसत होता है। पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु देखें तो वह 35 होगा, यानी मध्य बिंदु निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटा 2 बराबर मध्य वर्ग सीमा 30 है धन उच्च वर्ग सीमा 40 है। यहाँ पे तो 30 धन 40 बटा 2 बराबर 30 और 40 का योग 70, 70 बटा 2 बराबर 35। मध्य बिंदु को हम xi द्वारा दर्शाते हैं तथा मध्य बिंदु x1 35। इसी प्रकार हम बाकी वर्गों के मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, जो कि क्रमशः 45, 55, 65 और 75 होंगे। अब प्रत्येक मध्य बिंदु को प्रत्येक वर्ग की बारंबारता से गुणा कर इसका उपयोग माध्य ज्ञात करने के लिए करेंगे। नई तालिका इस प्रकार बनेगी। वजन किलोग्राम में पहले है हमारे पास 30 से 40, वर्ग 30 से 40, दूसरा वर्ग है 40 से 50, तीसरा वर्ग है 50 से 60, चौथा वर्ग है 60 से 70 और अंतिम में 70 से 80। यहाँ हम योग लिख लेते हैं।
दी गई तालिका से दिए गए प्रश्न के अनुसार जो तालिका में है वर्षों की संख्या जिसे हम FI कहते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ग है ये हमारा XI है और वर्षों की संख्या FI जो है वह पहला जो वर्ग के लिए दिया हुआ है 11, दूसरे के लिए 29, तीसरे के लिए 6, चौथे के लिए 3 और अंतिम के लिए 1। मध्य बिंदु XI हमने निकाल चुका है, 30 और 40 का योग किया है और योग करके 2 से भाग दिया है, तो 30 और 40 70, 70 को 2 से भाग दे रहे हैं तो 35, तो हमारा मध्य बिंदु इसका 35 आया, इसका 45 आएगा, 50 से 60 का 55, उसी तरह से 60 से 70 का 65 और 70 से 80 के बीच का 75। हमने इस तरह से मध्य बिंदु हर वर्ग के लिए निकाला। अब हम FI को XI से गुणा करेंगे, 11 को जब हम 35 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 385। उसी तरह से 29 को जब 45 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1305। 6 को 55 से गुणा करेंगे FI XI तो हमें प्राप्त होगा 330। और फिर 3 को जब 65 से गुणा करेंगे FI गुणित XI, 3 गुणित 65 बराबर 195। और अंतिम में 1 को जब 75 से गुणा करेंगे तो 75। यहाँ पे जो वर्षों की संख्या FI है इसके लिए हम जानते हैं कि जब हम वर्षों की संख्या FI का जब योग करेंगे तो यहाँ पे ये सिग्मा FI होगा, जिसमें जब हम इसका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 50। उसी तरह से FI XI का जब हम पूरा योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सिग्मा FI XI। इन सभी संख्याओं का योग जो है हमें प्राप्त होगा 2290। अतः हम पाते हैं कि ऊपर बने तालिका में FI XI का योग यानी सिग्मा FI XI बराबर 2290 है। अतः दिए हुए आंकड़ों का माध्य एक्स बार या बार एक्स होगा। अब हम माध्य का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्य जो है बराबर इसको हम प्रदर्शित करते हैं बार एक्स से, बार एक्स या एक्स बार बराबर इसका सूत्र है सिग्मा FI इंटू FI गुणा XI बटा सिग्मा FI। तो हमने सिग्मा FI प्राप्त ज्ञात किया था 2290 बटा सिग्मा FI जो है हमारा 50 है। माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI बराबर 2290 बटा 50। यहाँ पे हम जब 10 से काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 229 बटा 5 और जब इसे भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 45.8 किलोग्राम। यानी औसत वजन 45.8 किलोग्राम है।
इस तरह से हमने दिए गए उदाहरण में माध्य ज्ञात किया। यही इस उदाहरण का हल होगा।